खरगोन जिला अस्पताल में आउटसोर्स तैनात 24 सुरक्षा कर्मियों ने 3 माह से रुके वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। समय पर वेतन देने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने बताया कि वे लोग 6300 रुपये के मामूली वेतन पर एजेंसी के तहत कार्यरत है, वह भी समय पर नहीं मिलता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी वेतन अभाव में फीका पड़ा। सिविल सर्जन ने उन्हें समझाया कि शासन के स्तर पर बजट अलाट नहीं होने समस्या है, जल्द निराकरण होगा। सिविल सर्जन के आश्वासन के बाद गार्ड काम पर लौट गए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा 3 माह से वेतन मान नहीं दिया गया है और इसी गरीबी के समय में हमको यानी 3 माह का वेतन नहीं दे रहे हैं। और हम अगर कहीं पे भी जाके आवेदन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर ऑफिस भी गए थे और अपने सीओमओ ऑफिस भी गए थे और अपने यहाँ पे सिविल सर्जन को भी हमने आवेदन लिख के दिया कि हमारा 3 माह का वेतन नहीं मिल रहा है। अब हम इन परिस्थितियों में कैसे घर का भरण पोषण करेंगे? हमारे बच्चों की फीस ये जमा करना है, हमको घर का राशन भरना है और 3 माह तक हम यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम अधिकारी इनसे सबसे निवेदन करते हैं कि हमको 3 माह का वेतन दिया जाए, नहीं तो हम बाहर ही बैठेंगे और हड़ताल करेंगे। ठेकेदार से हमारी बात हुई तो वो बोल रहे कि जब तक हमारा बजट नहीं होगा, जब तक हम लोग आपकी पेमेंट नहीं करेंगे। हाँ, हमने सूचना करी उनको तो बोले कि अब हमारे पास में आगे से ही नहीं बजट आ रहा, तो हम लोग ठेकेदारों को कैसे बजट दें? बोले कि हम जब तक हमारे 3 महीने की पेमेंट नहीं डालेगी, जब तक हम हड़ताल पे ही बैठेंगे। क्या नाम है आप? मेरा ललिता सोहनी। हमारी ये मांग है कि हम 3 माह से परेशान हो रहे हैं, 3 माह से हमारे को वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हम हड़ताल पे उतरे हुए हैं। और हमारे इतनी परेशानी हो रही है कि जैसे घर परिवार चलाने में परेशानी है। और हम कलेक्टर के पास भी 3 माह से गए हैं, पिछले माह हम गए थे तो कलेक्टर साहब बोले कि हाँ करवा देंगे, अभी तक कहीं नहीं हुआ है। और सीमोचो के यहाँ सिविल सर्जन के यहाँ गए थे हम, 3 माह से हमारा वेतन नहीं मिलना है और हमें 6300 रुपये मिलते मात्र, इतनी महंगाई में हमें घर परिवार कैसे चलाए तथा हमारा वेतन बढ़ा कर भी दिया जाए, ये हमारी मांगे है। तथा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। मेरा नाम छन्ना सिंह मौर्य। हम कुल 24 जन है, 24 कर्मचारी हम यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे सर आपसे मिले, आपने क्या आश्वासन दिया? जी, ये गवर्नमेंट से बजट जो है वो आ नहीं पाया है, लेकिन हमारी बात हुई है, मंगलवार तक इनका बजट रिलीज हो जाएगा और इनकी समस्या का हल हम कर देंगे। क्या मांगे इनकी? इनकी जो है वो 3 माह से इनको तनख्वाह नहीं मिली है। तो कम तनख्वाह भी है सर और 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, तो बच्चों निश्चित तौर पे जो है वो परेशानी आ रही है, लेकिन इसका परेशानी का निराकरण हम जल्दी कर देंगे। इतनी महंगाई में, इतनी कम पैसे में और 3-3 महीने में अगर सैलरी मिलेगी तो बच्चे कैसे पालेंगे? अब ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और वो सारा मैनेजमेंट जो है वो आउटसोर्स कंपनी करती है। कब तक पेमेंट हो जाएगा? इनका हम 3 दिन में कैसे भी पेमेंट करवा देंगे। इनका ये कहना है कि कायाकल्प वालों का पेमेंट हो रहा है, कायाकल्प के लिए पेमेंट है ना, बाकी सबके लिए सफाई कर्मचारी के लिए पेमेंट है, सब गार्ड के लिए पेमेंट क्यों नहीं है? अब ये इसका जवाब जो है वो मैं पूरी तरह से दे नहीं पाऊंगा, लेकिन इनकी समस्या को हम हल करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और मंगलवार बुधवार तक इनकी समस्या हल करा देंगे। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर AS चौहान, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।